मैजिकल नाइन सीरीज में मैं मनमोहन जोशी आपके सामने हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में आगे बढ़ने, समृद्ध होने, सफल होने, ऊपर उठने का एक नियम है। वो नियम ये है, जो बीत गया उसे भूल जाएं, जो आने वाला है उसकी चिंता न करें और वर्तमान में रहकर ही अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए जतन करें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि गतो शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। रॉकेट भी जब ऊपर जाता है तो उसका भी रॉकेट नोदन का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे जैसे रॉकेट एक ऑर्बिट के ऊपर जाता जाता है, वैसे वैसे अपने कुछ हिस्सों को नीचे छोड़ता चला जाता है। अगर आपने प्लेन में, फ्लाइट में उड़ान भरी है, उसका भी एक नियम है, आप एक लिमिट में ही अपने साथ वजन ले जा सकते हैं। कारण ये है कि भारी चीज हवा में ऊपर नहीं उठती। तो क्या करना होगा? जो बीत गया उसे भूलना होगा। शायद हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता आपको प्रेरित करे, जिसका संबंध इसी विचार से है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा है पीने वाला, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। उम्मीद है ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस टाइम, बी मोटिवेटेड।